नमस्कार, आप सभी का रिणवा स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज के इस वीडियो में पासे से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। देखिए, पासे में क्या होते हैं, तीन तरह के प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। उनमें से प्रथम प्रकार के जो प्रश्न थे वो पार्ट वन के अंदर इसी चैनल पे वीडियो अपलोड किया जा चुका है, जिसके अंदर कोई भी पासे की तीन या चार स्थितियां आपको दी जाती है और उन स्थितियों के अंदर क्या करना होता है कि जो विपरीत अंक है वो आपको पता करना होता है। आज के इस वीडियो में रंगों पर जो आधारित पासे से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं उनको हल करेंगे, अपने उनको सीखेंगे। तो देखिए, रंगों पर आधारित प्रश्नों को कैसे पूछा जाता है, आपको ऐसे दिया जाएगा कि कोई एक बड़ा घन दिया जाएगा और उस घन को वो कह देगा कि छह टुकड़ों में या पांच टुकड़ों में कुछ भागों में बांट कर छोटे घन बनाए जाते हैं और उस घनों पर आपको रंगों का पता रंग देकर उनसे संबंधित प्रश्न बनाए जाते हैं और उन्हीं प्रश्नों को अपने इस वीडियो के अंदर हल करना सीखेंगे। तो देखिए, इनमें एक घन दिया होता है, वह घन या तो सभी तरफ से, यानी कि घन के अंदर कितनी सतह होती है, छह सतह होती है, जिसमें से समतल तल के अंदर अपने देखेंगे क्या उसकी दिखाई देगी, तीन सतह दिखाई देंगी, तीन सतह इसके पीछे होती है। तो यहां पर क्या है कि कोई भी एक बड़ा घन है उसको वो कह देगा कि भाई ये सभी तरफ से लाल रंग से रंगा है या फिर लाल और हरे रंग से रंगा है, तो या लाल रंग हरा और पीले रंग से रंगा है। तो इस तरह से वो क्या करता है, वह घन या तो सभी तरफ से या कुछ सतह छोड़कर एक रंग, तीन रंग या छह रंग से रंगा होता है। इस घन को छोटे इकाइयों में काटकर आपसे अलग अलग तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए, इन प्रश्नों को करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण नियम है उसको देख लेते हैं। पहला नियम क्या है, एक सतह पर रंग वाले घन हमेशा पृष्ठ या फलक कह सकते हैं या सतह पर ही होते हैं। ये आपको याद रखना है कि अगर एक ही सतह पर रंग की बात करें तो वो घन क्या होंगे, हमेशा पृष्ठ, सतह या फलक पर होते हैं। और फलक कितने होते हैं, छह। दो सतह पर रंग वाले घन हमेशा भुजा, कोर या किनारे भी कहते हैं, ई से दर्शाया जाता है, पर होते हैं। तीन सतह पर जो रंग होते हैं, तीन सतह पर रंग वाले घन तीन सतह पर रंग वाले घन हमेशा शीर्ष या कोने पर होते हैं। इनकी जो संख्या है, इनकी संख्या हमेशा आठ होती है। इनकी संख्या जो हमेशा कितनी होगी, आठ होती है, ये आपको याद रखना। अब देखिए, तीन से अधिक सतह पर अगर रंग हो, तीन से अधिक सतह पर रंग वाले घनों की संख्या पूछ ली जाए आपसे तो क्या होगा उसका आंसर, रंग वाले घनों की संख्या शून्य होती है। कई बार प्रश्न ऐसे भी दे देते हैं कि उसमें तीन सतह से ज़्यादा किसी भी रंग को पूछ लेते हैं कि वो चार सतह पर है या पांच सतह पर है, तो उन घनों की संख्या हमेशा क्या होती है, घनों की संख्या शून्य होती है, ये याद रखना। एक बात और याद रखनी है, किसी भी घन की विपरीत सतह
पर रंग समान नहीं आता है। रंग क्या है? समान नहीं आता है। तो आइए कुछ प्रश्न करते हैं। पहला है कि एक 6 सेंटीमीटर के घन को सभी तरफ से लाल रंग से रंगा गया है, इसको 6 समान भागों में काटा जाता है, तो निम्न प्रश्नों के उत्तर देना है। पहला प्रश्न आपके पास है कि कुल कितने घन बनेंगे, इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। प्रश्नों को सरल विधि से करना सीखेंगे। तो यहाँ आपको क्या ध्यान रखना है, जब भी कुल कितने घन बनेंगे, इसके लिए एक फॉर्मूला है, वो याद रखना है। कुल घनों की संख्या, इसका एक सूत्र आपको याद रखना है, एन के घात 3। यहां पर एन क्या है? एन है कि जो बड़ा घन है उसको कितने छोटे घनों में बांटा गया है, यानी एन हो गया भागों की संख्या। बड़े घन को कितने छोटे घनों में, कितने भागों में काटा गया, यानी कि 6 समान भागों में बांटा गया। तो यहां पर जो अपना एन है वो कितना आ जाएगा? 6। तो हल कर लेते हैं, 6 की घात 3। 6 की घात 3 को हल कैसे करेंगे? 6 गुना 6 कितने होते हैं? 36। 36 गुना 6 क्या हो गया? 6 छक्के 36, 3 6 18 और 3 21, अर्थात कुल कितने घन बनेंगे? 216। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो 216। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कितने ऐसे घन हैं जिनकी कोई भी सतह रंगी नहीं है। तो यहां पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 64, 36, 16 और 27, यानी कि एक जो बड़ा घन था उसको 6 समान भागों में बांटने के बाद ये जो बड़ा घन है उसको लाल रंग से रंगा हुआ भी है, यानी कि एक ही कलर से सभी सतह इसकी रंगी हुई है, और जब उसको 6 समान भागों में बांटे तो कितने ऐसे छोटे घन होंगे जिनकी कोई भी सतह रंगी नहीं। इसके लिए आपको क्या करना है, एक सूत्र याद रखना है कि बिना रंगे घनों की संख्या कैसे ज्ञात करोगे? बराबर n माइनस टू क्यूब। तो यहां पर n अभी बताया था क्या होता है, भागों की संख्या। हमारे पास n का मान कितना है? 6 है। 6 माइनस 2 की घात 3, 6 में से 2 घटा लीजिए, कितने बचे? 4 के घात 3। इसको हल करेंगे तो 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौके 16 चौके 64। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो 64A, ये आंसर आ जाएगा, यानी कि 64 ऐसे घन हैं जिनकी कोई भी सतह रंगी नहीं है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। तो देखिए तीसरा प्रश्न है कितने ऐसे छोटे घन हैं जिनकी एक सतह रंगी हो, जिनकी क्या होनी चाहिए? सिर्फ एक ही सतह रंगी हुई दिखाई दे। उसके लिए जो आपको फॉर्मूला वो याद रखना है, इसके लिए सूत्र क्या है? एक सतह रंग वाले, एक सतह पर रंग वाले घनों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? याद रखना है आपको, रंग वाले घनों की, एक सतह पर रंग वाले घनों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? 6 × n-2 की स्क्वायर। यहां पर n कितना है? 6 है, तो मान रख दीजिए 6 × 6-2 की होल स्क्वायर, या इसको ऐसे हल कर सकते हैं, 6 × 6 में से 2 घटा दिए, कितने रह गए? 4 की होल स्क्वायर, या 6 × 4 चौके कितने होते हैं? 16। गुणा कर दीजिए 6 × 6 36, 3 96। तो यहां पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या आ जाएगा? 96, यानी उत्तर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसके आगे देखिए कि कितने ऐसे छोटे घन हैं जिसकी 2 सतह रंगी हुई है। दो सतह के लिए जो आपको फॉर्मूला याद करना है वो क्या करना है कि जो 2 सतह वाले जो रंग होते हैं वो हमेशा किस पे होते हैं? किनारे पे होते हैं। किनारों की संख्या होती है 12। तो 2 सतह पर रंग वाले घनों की संख्या, 2 सतह पर रंग वाले घनों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? आपको याद यही रखना है कि 2 सतह पर रंग हमेशा किस पे आते हैं? किनारे पे आएंगे, और किनारे होंगे 12। तो 12 माइनस n माइनस 2,
12 इंटू एन माइनस 2, तो n का मान रख दीजिए बराबर 12 का 12 रखेंगे, n है 6 माइनस 2, या 12 6 में से 2 घटा दीजिए कितने रहे 4, या 12 गुना 4, 12 चौके कितने होते हैं 48। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा ए बी सी डी में से देख लीजिए 48 बी आंसर सही होगा। चलिए इसका आगे बढ़ा करते हैं। पांचवा देखिए, कितने ऐसे छोटे घन हैं जिनकी तीन सतह रंगीय है। तो तीन सतह रंगने वाले जो घन होंगे वो हमेशा फिक्स होते हैं। तीन सतह जिस घन की रंगी होगी उनकी संख्या हमेशा कितनी होगी 8 होगी। तो यहाँ पर इसका सीधा सा उत्तर आएगा 8, कोई फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट आगे वाला देखते हैं। इस तरह के प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि ऐसे कितने घन होंगे जिनकी कम से कम एक सतह पर रंग होगा। तो यहाँ पर इस प्रश्न को थोड़ा समझना, ये बात कर रहे हैं कि कितने ऐसे घन होंगे जिनकी कम से कम एक सतह पर रंग होंगे, अर्थात ये बात कर रहा है कि एक सतह पर रंग वाले घन भी इसके अंदर आएंगे, जिनकी दो सतह पर रंग है वो घन भी इनके साथ आएंगे, और तीन सतह पर जो रंग वाले घन हैं इन तीनों का जो टोटल है वही इस प्रश्न का क्या होगा आंसर होगा। तो इसको कैसे निकालेंगे, इसकी एक ट्रिक है, कम से कम एक सतह पर रंग वाले घनों की संख्या। तो देखिए, सबसे पहले जब प्रश्न शुरू किया था तो पहला प्रश्न था कि कुल कितने घन बनेंगे, तो आपको कुल कितने घन बनेंगे उसका फॉर्मूला क्या होता है n के घात 3। इसके बाद क्या होता है, कुल घनों में से यदि अपने बिना रंगे घनों को घटा दें तो एक सतह पर रंग वाले घन, दो सतह पर रंग वाले घन और तीन सतह पर रंग वाले सभी घन इसके अंदर आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कि कुल घनों की संख्या में से बिना रंगे घनों की संख्या का जो फॉर्मूला वो क्या होता है n माइनस 2 की होल क्यूब, इसको घटा देंगे तो अपने इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। तो देखिए n की घात 3 यानी n अपने पास है 6 की घात 3 माइनस, यहाँ देखिए 6 माइनस 2 की घात 3, हल कर लीजिए 6 की घात 3 कितना होता है 6 गुना 6 216 माइनस, इसको हल करेंगे तो ये होगा 4 की घात 3 बराबर, हल करेंगे तो 216 माइनस 4 गुना 4 16 चौके 64, घटा दीजिए 6 में से 4 गए 2, इधर बचे 1, जाएगा नहीं, 11 में से 6 गए 5, लास्ट में क्या बच गए 1। तो यहाँ देखिए अपना आंसर आएगा 152, यानी कि सी आपका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ऐसे कितने घन होंगे जिनकी कम से कम दो सतह पर, कम से कम कितने सतह पर रंग होना चाहिए, दो सतह पर रंग होगा। इसके लिए अपने किसको देखेंगे, कम से कम दो सतह वाले जो घन होंगे, दो सतह पर जो रंग वाले जो घन होंगे उनको भी लेंगे, और तीन सतह पर जो रंग वाले घन होंगे उनको भी लेंगे, यानी कि दो सतह और तीन सतह पर जो रंग है वो सभी को अगर इन दोनों को जोड़ दें तो उस इस प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, एक फॉर्मूला लगाएंगे, कम से कम दो सतह पर रंग वाले घनों की संख्या, रंग वाले घनों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो 12 इंटू एन माइनस 2, और तीन सतह पे रंग वाले जो घन होंगे उनकी संख्या फिक्स होती है 8। तो यहाँ पर देखिए 12 इंटू एन है 6 माइनस 2 प्लस 8, या 12 इंटू 6 में से 2 घटा दो 4 प्लस 8, हल करेंगे तो देखो 12 चौके 48 प्लस 8, जोड़ दीजिए 8 और 8 16, 1 4 और 1 5, यानी कि जो अपना आंसर आएगा वो कितना आएगा 56। तो यहाँ देखिए सी है ये 56। इस तरह से इन प्रश्नों को हल करना है। आगे देखिए, ऐसे कितने घन होंगे जिनकी चार सतह पर रंग होता है। तो इस तरह के प्रश्न जब भी आए आपको सीधा उत्तर क्या लिखना है, शून्य लिखना है। क्यों लिखना, देखिए क्योंकि जो अधिकतम
पहले अपने बात कर चुके हैं, जब वीडियो शुरू किया था उसमें बात कर चुके हैं कि अधिकतम तीन सतह पर ही रंग हो सकते हैं, अधिकतम तीन सतह पर ही रंग हो सकते हैं। तो ये लाइन आपको याद रखना है कि ऐसे जो घन है ना, अधिकतम तीन सतह पर ही रंग होंगे, और तीन सतह पर रंग वाले ही घन आपको मिलेंगे। उससे ज़्यादा अगर वो पूछ ले चार सतह पर रंग वाले घन या पाँच या छः सतह पर रंग वाले घनों की संख्या कितनी होगी, इन सभी का आंसर क्या आएगा, शून्य आएगा। तो इन प्रश्नों के अलावा कुछ इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाएंगे, रंगों वाले जो प्रश्न होते हैं उसमें क्या होता है, कोई एक घन है, उस घन की अलग अलग स्थितियों में आपको रंग बताए गए होते हैं। जैसे कि इस प्रश्न के अंदर बात करें तो कोई घन है, उसको इन तीन स्थितियों में आपको बताया गया है, उन तीनों स्थितियों में जो रंग है वो अलग अलग लिखे हुए हैं। यहाँ पे देखिए, जो पहले घन की जो कंडीशन स्थिति बताई हुई है, हरा, नारंगी और लाल रंग आपको दिखाई दे रहा है। सेकेंड जो स्थिति है, इसमें नारंगी, बैंगनी और लाल रंग दिखाई दे रहा है, और इसमें रजत, हरा और लाल। आपको ज्ञात क्या करना है, हरे रंग के सामने कौन सा रंग होगा। सामने से या मतलब क्या है, सामने कह दो या विपरीत कह दो, दोनों एक ही बात है, सामने या, कई बार वो ऐसे पूछ लेता है, हरे रंग के विपरीत कौन सा रंग आपको दिखाई देगा। तो इसके लिए क्या है, जो पार्ट वन का जो वीडियो बनाया था पासे का, उसके अंदर कुछ नियम समझाए थे, वही नियम अपने जो संख्याओं के नियम है वो इसी के अंदर लागू करेंगे। तो आपको देखना है कि सबसे पहले जो हरे रंग वाला जो फलक है वो किन किन स्थितियों के अंदर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ देखिए, हरा रंग यहाँ दिखाई दे रहा है, दूसरी कंडीशन में हरा रंग नहीं है, तीसरी कंडीशन में यहाँ हरा रंग आपको दिखाई दे रहा है। तो अब जहाँ हरा रंग दिखाई दे रहा है उसके शेष फलकों को आपको नोट करना है, और वो फलक इन तीनों स्थितियों में ढूंढने हैं। यानी कि जैसे यहाँ बात करते हैं, हरे के अलावा शेष जो दो फलक है वो क्या है, नारंगी और लाल है। तो आपको ये नारंगी और लाल, या फिर यहाँ हरे के अलावा शेष फलक कौन सा है, रजत और लाल, इनका अगर कोई उभयनिष्ठ इन तीनों में मिल जाता है तो अपना प्रश्न हल हो जाएगा। तो यहाँ देखते हैं, नारंगी और लाल कहीं और है, तो इस सेकंड स्थिति में देखिए नारंगी भी है और लाल भी है। यानी कि पहला और दूसरी कंडीशन के अंदर नारंगी और लाल दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है, यानी कॉमन है। तो जब जब भी एक नियम है, जब भी अपने जनरल पासे के अंदर बात करें, तो जो दो कंडीशनें एक जैसी हो, यानी कि दो फलक पर एक ही उभयनिष्ठ हो, तो शेष बचे जो फलक है उन पे चाहे अंक लिखे हो या फिर रंग लिखे हो, वो एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। तो यहाँ हरे के विपरीत क्या होगा, बैंगनी। तो जहाँ आपको इसमें ऑप्शन में चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे ऐसे प्रश्नों में, हरा, हरा तो दिया ही है, नारंगी, दूसरा बैंगनी, तीसरा ऑप्शन रजत और डी है लाल। तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा, बैंगनी, कि हरे रंग के विपरीत फलक पे कौन सा रंग है, बैंगनी। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आज का जो वीडियो है इसके अंदर आपको रंगों से संबंधित जो प्रश्न समझाए गए हुए हैं वो अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। और इसके अलावा जो इसका पार्ट तीन है उसके अंदर ओपन डाई से संबंधित प्रश्नों का अपने अध्ययन करेंगे। तो उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों में लाइक और शेयर ज़रूर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।